शेखर और लक्ष्मी के दो बेटियां हैं, नंदनी और नीरजा। बड़ी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उनके पिता खेती में कमाए आधे पैसे नंदनी की पढ़ाई के लिए खर्चा करता है। छोटी बेटी नीरजा घर पर रहती है। नीरजा अच्छे अच्छे डिजाइनर ड्रेसेस सिलती है। एक दिन नलिनी एक ड्रेस सिलते समय उसकी दोस्त दिव्या घर आती है। नीरजा, फंक्शन के लिए सब रेडी हो गए, मेरा ड्रेस जल्दी दो ना। 5 मिनट, फंक्शन के लिए तू यही पहन के जा दिव्या। नीरजा जल्दी जल्दी दिव्या का ड्रेस सिल के उसे दे देती है। वाओ, मेरा ड्रेस सुपर है, ये पहनने से मैं और सुंदर लगूंगी। थैंक्स नीरजा। दिव्या नीरजा को पैसे देती है। नीरजा वो पैसे सीधा पिता को देकर, पापा आज की मेरी कमाई ये लीजिए। तेरे मेहनत के पैसे तेरे पास ही रखना बेटी। माँ तू लेना, घर के काम आएंगे। जरूरत पड़ी तो मैं पूछूंगी बेटी। ऐसे कहते समय इतने में बड़ी बेटी नंदनी शहर से आती है। सब एक जगह इकट्ठा होके पैसे लेके कुछ सोच रहे हो? तेरी बहन डिजाइनर ड्रेसेस सेल के बहुत फेमस हो गई। ये वही पैसे हैं? बस इतना है? ऐसे बिल्डअप कर रहे हो जैसे ये कलेक्टर जॉब कर रही है। क्या रे, आते ही शुरू कर दी, तेरी अहंकार की बातें बंद कर। दीदी मैं तेरे लिए अच्छा ड्रेस सिलूंगी। दीदी छिछी, तू ड्रेस सिलने से सब कहेंगे गांव की गवार आई है। मैं तो मॉडर्न ड्रेसेस ही पहनूंगी, मैं वो ड्रेसेस नहीं पहनूंगी। ऐसे अहंकार से बात करती है। नीरजा बहुत फील होती है। ये सब देखकर पिता ने, बस करो ये पंचायत, नंदनी तू जाके हाथ मुंह धो के आ। ऐसे कहते ही नंदनी वहाँ से चली जाती है। सुनिए, इसकी उम्र के साथ अहंकार भी बढ़ रहा है जी, वो ही जान लेगी, अभी तो छोटी है ना। बेटी तू भी पढ़ती तो अच्छा था, आज ये सब ना होता। एक को पढ़ाना ही मुश्किल है ना माँ, तो मुझे कैसे पढ़ाओगे? और ज्यादा मुश्किल होगा ना, इसीलिए मैं रोक दी। जो भी है पैसे तो चाहिए ना, वो मैं इस तरह कमाऊंगी। दीदी की पढ़ाई होने के बाद मैं एक बोटीक खोलूंगी माँ। ऐसे कह के नीरजा वहाँ से चली जाती है। उस दिन रात को सब खाना खाते समय, नंदिनी बेटी तेरी पढ़ाई और कितने दिन होंगे? नेक्स्ट मेरे फाइनल एग्जाम है पापा, वो होने के बाद मेरी पढ़ाई खत्म। तो मैं तेरे लिए रिश्ते देखूं? अच्छा रिश्ता आने से तेरी शादी कर देंगे। पापा मैं कॉलेज में टॉपर हूँ, मेरी पढ़ाई काम आना है। मैं अच्छे से सेटल होने के बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी, तब तक आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। तुझे कितना टाइम चाहिए बेटी? मैं तो बहुत क्लेवर हूँ पापा, मैं खुद का एक कंपनी खोलना चाहती हूँ। उसके लिए आप एक काम कीजिए पापा, हमारी जमीन आप गिरवी रख के पैसे लाइए ना। हम मेहनत करके तुझे पढ़ाए, ये सब ठीक नहीं है बेटी, हमें कोई कंपनी नहीं चाहिए, कहीं तो अच्छा नौकरी ढूंढ के काम कर बस। पापा मैं कॉलेज में टॉपर हूँ, मेरे क्लेवर से किसी के पास काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कह के चली जाती है। सब लोग नंदनी का अहंकार देखते हैं। अगले दिन नंदनी कॉलेज को जाती है, इतने में किरण उसके पास आता है। नंदनी हमारी पढ़ाई खत्म होने को है, मेरा लव कब एक्सेप्ट करोगी? देखो किरण, हम दोनों के बीच पढ़ाई में मुकाबला कहाँ है। तेरा लव एक्सेप्ट करने के लिए मेरा एक कंडीशन है। कैसा कंडीशन है नंदनी? मैं बहुत क्लेवर हूँ, मेरे मार्क्स देखे ना, सो मैं एक कंपनी खोलना चाहती हूँ। उसके लिए पैसे चाहिए, वो तुम देने से मैं तुमसे प्यार करूंगी। वो बात सुन के किरण शॉक होकर, तुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना नंदनी, पहले उसके बारे में सोचो। तेरे इस कंडीशन से मैं सहमत नहीं हूँ, सॉरी, पहले तू पूरा जान ले, उसके बाद सोच ले क्या करना है। ऐसे कहता है किरण। उससे नंदनी को बहुत गुस्सा आया। ये कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम, इसके सामने मैं एक बड़ा कंपनी खोल के तब मैं उसे बताऊंगी, ऐसे सोचती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं, एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, सर्टिफिकेट्स लेके नंदनी घर आती है। माँ पापा बहन सब आके इन पेपर्स पर साइन करो। ये क्या है बेटी,
आप सब साइन करके देने से ही मेरे फाइनल सर्टिफिकेट्स आएंगे पापा, जल्दी से आप सब साइन कीजिए, ऐसे कहती है। उसकी बातों पर यकीन करके तीनों साइन करते हैं। थोड़े दिनों में मैं आप सबको एक खुशखबरी सुनाऊंगी पापा। वो वहाँ से चली जाती है। नंदिनी जमीन के कागजातों पर सिग्नेचर्स करा के वो जमीन दूसरों को बेच देती है। उन पैसों से वो एक कंपनी स्टार्ट करती है। एक दिन कुछ लोग शेखर के घर आकर, सर आपकी जमीन के ओरिजिनल पेपर्स चाहिए, ऐसे पूछता है। तब तीनों आश्चर्य होकर, हमारे जमीन के कागजात चाहिए? नंदिनी कंपनी रखने के लिए आपका जमीन हमें बेची, ये आपके सिग्नेचर्स है ना, ऐसे कहता है। वो सब देख के सब शॉक हो जाते हैं। मेरी दीदी हमें धोखा दी, वो झूठ कह के हमसे सिग्नेचर्स ली। वो सब हमें क्यों, आप पेपर्स दीजिए वरना आपकी दीदी जेल जाएगी और उसके बाद आप। ऐसे कहते ही पिता बेटी के बारे में डर के उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देता है। हे भगवान, ये लड़की हमारी जमीन बेच दी। बहुत दुखी होती है। नंदिनी को एक्सपीरियंस नहीं रहने पर उसका कंपनी थोड़े दिनों में ही लॉस होती है। उससे वो कुछ नहीं कर सकी और रोती हुई घर आकर पिता के पैरों पर पड़ती है। पापा मुझे माफ कीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती की, आप सबको धोखा दी, मैं जीना नहीं चाहती पापा। वो बहुत रोती है। बेटी को देख के, रोना मत बेटी, मुझे सब पता है, तेरे अहंकार से आज सब खतरे में पड़ गए। अहंकार रहने से जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी बेटी, हमें बहुत विनम्रता से रहना है। आप उसे कहना भी बेकार है जी, वो हमें धोखा दी। माँ दीदी को क्यों डांट रही है, मैं हूँ ना कमाने के लिए, अभी तो दीदी को हिम्मत दिला माँ, ऐसे बहन कहती है। तब नंदिनी वादा करती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, आगे से मैं अहंकार और घमंड नहीं दिखाऊंगी माँ, सबका सम्मान करूंगी, कोई अच्छा जॉब ढूंढ के हमारे जमीन को वापस खरीदूंगी माँ, ऐसे कहती है। तीनों नंदिनी को माफ करके उसे हिम्मत दिलाते हैं। थोड़े दिनों बाद नंदिनी एक कंपनी में सेलेक्ट होकर एक अच्छा जॉब हासिल करती है। उसके बाद वो पर्सनल लोन लेके उन पैसों से उनका जमीन वापस खरीदती है। उससे सब खुश होते हैं। एक छोटे से गांव की बहू बन के आती है रम्या। सास बहुत झगड़ालू है। रम्या का पति सुरेश भी माँ की तरफ बात करके रम्या को बहुत मारता था। रम्या का बदन पूरा घावों के दाग से भरा रहता था। एक दिन रम्या किचन में काम करते समय सास वहां आकर ढक्कन खोलती है। क्या रे, कल का दाल इतना बच गया, जानती है इससे कितना नुकसान होगा? सासू माँ आप जितना बोले उतना दाल ही डाली। तेरा कहने का मतलब क्या है रे, इस नुकसान का कारण मैं ही हूँ? सुनो बेटा, तेरी बीवी कुछ कह रही है, जरा आके सुनना बेटा। अरे अरे सासू माँ, मैंने क्या कह दिया, आप क्यों उन्हें बुला रहे हो? वो बहुत डर जाती है। क्या हुआ माँ, क्या बात है? कुछ नहीं जी, मैं कुछ नहीं बोली। बेटा ये कहती है इस घर में हो रही नुकसान का कारण मैं ही हूँ। इसकी आंखें सर पर चढ़ गए बेटा, जरा उन्हें उतार दे। अभी मैं उतारता हूँ माँ, इसे तू जोर से पकड़। वो स्टोव पर बड़ा चम्मच गरम करके रम्या के दोनों हाथों को वो जला देता है। रम्या बहुत रोती है। ऐसे किसी न किसी वजह से रम्या को बहुत सताते हैं। अगले दिन रम्या मार्केट से सब्जियां लाते समय बीच रास्ते में उसकी दोस्त दिव्या नजर आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। दिव्या तुझे देख के बहुत दिन हो गए, कैसी है रे? मैं ठीक हूँ, तुझे देख के भी बहुत दिन हो गए ना, मैं तेरी शादी को भी नहीं आई। ओह मैं तुझे याद हूँ दिव्या। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊंगी रम्या, हम दोनों एक ही गांव के हैं और बहन जैसे थे ना। तू शादी करके बिजी है और मैं जॉब में बिजी हूँ, बस जाने दे, इतने दिनों बाद हम दोनों मिले, ये बता तू खुश है ना रम्या? दिव्या रम्या के हाथ पकड़ती है। रम्या के हाथों पर जलने के दाग नजर आते हैं। दिव्या उन्हें देखकर, अरे ये क्या, तेरे दोनों हाथ घाव से भरे हैं,
किसी ने जानबूझ के तेरे हाथ जला दिए ना? ऐसे पूछते ही रम्या के आंखों से आंसू आ जाते हैं। तू जानती है ना, मेरी शादी होने के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। वो बिना दहेज के पैसे दिए ही चल पसे करके मेरी सास और पति दोनों मुझे बहुत परेशान करने लगे। मैं उन्हें कुछ नहीं कर सकती। रम्या पूरी बात दिव्या को बताई। वो सब सुन के दिव्या को बहुत गुस्सा आया। ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाना है। तेरा पति क्या करता है? यही पास के कंपनी में जॉब करता है, नाम है सुरेश। ओ, सुरेश तेरा पति है? वो मेरा जूनियर है, मैं हूँ ना, तू चिंता मत कर, ठीक है रम्या? दिव्या रम्या को हिम्मत दिलाकर भेज देती है। 4 दिन बीत जाते हैं। रम्या दिव्या के बारे में सोचकर, बेचारी वो मेरे लिए कुछ करना चाहती है, हाँ कहीं इन्हें जॉब से निकाल देगी क्या? ऐसे तरह तरह के सोच उनके दिमाग में घूमने लगे। इतने में सुरेश दिव्या के साथ घर आता है। उसे देखकर रम्या आश्चर्य हो जाती है। सुरेश सीधा उसकी माँ के पास जाकर, माँ एक सुनहरा मौका आया माँ, वो लड़की दिव्या है, मेरे ऑफिस में वो मैनेजर है, बहुत अमीर लड़की है माँ, वो मुझे चाहती है, मेरे बारे में जानकर भी वो मुझसे शादी करना चाहती है माँ। सच? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। वो लोग दहेज के पैसे बहुत देंगे ना, तो जल्दी से हाँ कह देना। पहले वो हमारे साथ इस घर में 1 महीना तक रहना चाहती है माँ, उसके बाद ही शादी। ओ, उस लड़की को मुझसे मिलाओ ना। दोनों दिव्या के पास आते हैं। बेटी तू बहुत सुंदर है, सुरेश बोला बेटी ये देखो यहाँ एक काम वाली है, तू जैसे चाहे वैसे रहना, तेरे लिए वो सब कुछ बना के देगी। मुझे इस घर के लोग पसंद आना है, मतलब आप और आपका बेटा, बाकी लोगों की जरूरत नहीं है, मेरे लिए आप दोनों ही खाना बनाना है, कोई और नहीं। ठीक है बेटी, तुम्हारे लिए हम दोनों खाना बनाएंगे, तू चिंता मत कर, ऐसे कहती है। उनकी बातें सुनकर रम्या पूरा समझ लेती है। मुझे भूख लगी है, स्नैक्स चाहिए, क्या आप मेरे लिए गरम गरम वड़े बनाओगे? बस इतना ही? अरे हो रम्या, पूरा रेडी कर, मैं आके वड़े बनाऊंगी, ऐसे सास चिल्लाती है। तब दिव्या ने, वो करने से मैं नहीं खाऊंगी, आप खुद अपने हाथों से चक्की में उड़द दाल पीस के वड़े बनाइए, ग्राइंडर में पीसने से मैं नहीं खाऊंगी। तब मजबूरन माँ और बेटा मिलके वड़े बनाते हैं। दोनों को काम करने की आदत नहीं रहने पर सास के हाथ पैर दर्द देने लगे। रम्या ये सब देखकर बहुत हंसती है। अगले दिन सुबह, मुझे लेमन एंड हनी वाटर चाहिए, आप जल्दी लाइए वरना मुझे गुस्सा आएगा। अरे घर में कुछ नहीं है, सुरेश बेटा तू जल्दी आके हनी लाना, मैं जाके नींबू लाऊंगी। दोनों जल्दी से भागकर जाते हैं। वो काम करने से तेरी कीमत जानेंगे, वो मुझे 1 हफ्ता भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तू आराम से रिलैक्स हो जा रम्या, मैं हूँ ना। दोनों बातें करके हंसते हैं। सास जल्दी जाकर हनी एंड लेमन वाटर मिला के लाती है। दिव्या टेस्ट करके, थू ये क्या है, इतना गलीज है, जाके फेंक दीजिए। दिव्या फेंक देती है। 1 हफ्ता बीत जाता है। दिव्या को माँ बेटे सह नहीं पाते, उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। तब माँ रोती हुई, बेटा ये लड़की हमारे घर में रहने से मैं मर जाऊंगी, उस लड़की से तू शादी करने से, बाप रे, हमें पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, मैं इस नरक में पड़ना नहीं चाहती, उसे घर से भेज दो। वो प्रार्थना करती है। तब सुरेश भी सोचकर, मेरी बीवी मेरी सेवाएं करने से मुझे उसकी कीमत पता नहीं चला, लेकिन अभी पता चल रहा है। बाप रे, ये लड़की को मैं नहीं सह सकता। ऐसे बातें करके वो सीधा दिव्या के पास जाता है। दिव्या, मेरी बीवी के रहते हुए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अब तू जा सकती है, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। वो हाथ जोड़ता है। तब दिव्या ने, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती सुरेश। सुनो वापस मत आ, तेरे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। वो दिव्या को भेज देते हैं। सास और सुरेश रम्या की कीमत जानकर उस दिन से उससे प्यार से रहना शुरू करते हैं। रम्या उनमें बदलाव देखकर बहुत खुश होती है।
दिव्या को धन्यवाद कहती है।